बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद बिलाल, योर मैथमेटिक्स टीचर। टुडे वी विल स्टडी अबाउट रेशियो। इन रेशियो वी विल स्टडी हाउ कैन वी फाइंड द अननोन वैल्यू एंड द वैल्यू बाय यूजिंग सम ऑफ रेशियो मेथड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट हाउ कैन वी फाइंड अननोन वैल्यू बाय यूजिंग रेशियो मेथड। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, ए पार्ट x रेशियो 15 इज इक्वल टू 72 रेशियो 300। अब इसमें क्योंकि x अननोन है एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड x। ओके, इन प्रीवियस वीडियो वी लर्नड हाउ कैन वी राइट द गिवन रेशियो इनटू फ्रैक्शन। हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे x रेशियो 15 को भी और 72 रेशियो 300 को भी। नाउ यू कैन सी x ओवर 15 इज इक्वल टू 72 ओवर 300। नाउ क्योंकि हमने अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, व्हाट वी विल डू, हम इस जो 15 है इसको राइट साइड पे लेके जाके क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है तो 72 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ यू कैन सी x इज इक्वल टू 72 ओवर 300 मल्टीप्लाई बाय ये जो 15 था इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगी और इधर 5 बच जाएगा, इधर 30 बच जाएगा। तो 5 को 30 के साथ डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। नाउ 6 और 72 को जब हम डिवाइड करेंगे तो इट विल बी, जब 72 को 6 डिवाइड करेंगे व्हाट विल द आंसर, यस क्या होगा, इट विल बी यस 12। x will be equal to 12. The final answer will be x is equal to 12. Now let's take another example. Example number 1, b part 12 ratio x is equal to 48 ratio 72. We will write again as in fraction form 12 over x will be equal to 48 over 72. Now you can see 12 over x is equal to 48 over 72. Now what we will do? Now we cross multiply 12 multiply by 72 हो जाएगा और आपका जो क्योंकि x को जब 48 से multiply करेंगे it will be x multiply 48. तो जो आपके पास 48 है वो दूसरा आके divide हो जाएगा। Now you can see, okay, yes, what will answer? 12 और 48 को कैंसिल करेंगे ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, और 4 और 72 को जब डिवाइड करेंगे इट विल बी 18। सो फाइनल आंसर विल बी 18। ओके, आप इसमें एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं कि आप जस्ट वैसे लिख लें 12 मल्टीप्लाई बाय 72 एक्स मल्टीप्लाई 48, देन अगेन आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं 48 को दो साइड पर लाके, तो फाइनल आंसर विल बी यस 18। ओके, नाउ लेट्स टेक अदर एग्जांपल फॉर सम ऑफ रेशियो। ओके, नाउ यू कैन सी ऑन अ स्क्रीन, डिवाइड द प्रॉफिट $4,500 इन द रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो 6 अमंग द थ्री पार्टनर्स एक्स वाई एंड जी। अब जब भी आपको कोई ऐसी वैल्यू दी गई हो जो कि रेशियो के अंदर डिवाइड करनी हो, व्हाट विल यू डू, यू विल यूज अ सिंपल फॉर्मूला। यू कैन सी ऑन अ स्क्रीन, यस, शेयर इज इक्वल टू रेलिवेंट रेशियो ओवर सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू। किसी भी चीज का शेयर फाइंड करना हो तो आप इसी तरह फॉर्मूले को यूज करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने x का शेयर फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि हमने, ठीक है, फिर y का और z का, और ये सब फाइंड क्योंकि x y z की हमारे पास रेशियो मौजूद है 4 5 6। हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू भी मौजूद है हमारे पास 4500 है और रेलिवेंट रेशियोज भी मौजूद है। नाउ सम ऑफ रेशियो नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड सम ऑफ रेशियो, सम मीन हम प्लस करेंगे सारी रेशियोज को, तो सम ऑफ रेशियो विल बी 4 रेशियो 5 रेशियो 6। तो जब तीनों को ऐड करेंगे इट विल बी 15। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द शेयर फॉर एक्स, एक्स के लिए फाइंड करेंगे तो एक्स विल बी इक्वल टू, क्योंकि एक्स की जो रेलिवेंट रेशियो है डेट इज 4, ठीक हो गया, रेलिवेंट रेशियो की 4 आ गया ओवर सम ऑफ रेशियो 15 है, 15 आ गया मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू कितनी है 4500 है, 4500 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 300। नाउ 300 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 300 इट विल बी $1,200। दिस मीन्स द शेयर ऑफ एक्स is $1,200. Now we will find the share of y. Similarly, y will be equal to, now y ki relevant ratio kitni hai 5. 5 over total ratio, sum of ratio 15 multiplied by total value. Total value kyunki 4500 hai wahi rahegi. 15 ko jab aap divide karenge that will be again 300 multiplied by 5. 5 multiplied by 300 it will be
Yes, 1500. Now we will solve it for Z. Yes, Z will be equal to relevant ratio. Z की कितनी 6 है, 6 sum of ratio 15 multiply by total value, क्योंकि वही use होगी, तो हम same use करेंगे 15 को जब आप 45, yes, क्या answer होगा 3, again 3 multiply by 600, yes 300 आएगा इसका answer, तो 300 multiply by 6, it will be 1800. तो last ratio या last share find करने के लिए एक simple method भी use किया जाता है, कि आपको ये वाला procedures करने की जरूरत नहीं है, just आप पहले दो shares को add करें, 1200 और 1500, it is कितना बना जी 2700, तो कितना था आपके पास 45 में से जब आप सर यस माइनस करेंगे आप 27 को, तो ये भी 18 हो जाएगा. तो आप ये भी मेथड यूज कर सकते हैं, और या लास्ट जो अगर शेयर निकालना है तो आप उसको सबट्रैक्शन मेथड भी यूज कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, होप कि आपको समझ लग गई होगी. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी ऑन माय और कॉन्टेक्ट मी ऑन माई मोबाइल नंबर. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.